बहणाबाई आणि मुक्ताबाई यांच्या प्रावण स्मृतीला वंदन। तापी खोऱ्यातील तमाम खानदेशवासियांना माझा नमस्कार। भाइयों बहनों, मेरे सामने ये जो विराट जनसागर मैं देख रहा हूं, भाइयों बहनों, कभी भी कोई चुनाव सभा ऐसी नहीं होती है। सारे पॉलिटिकल पंडित उनके सारे हिसाब किताब गलत निकल जाए, ऐसा ये विराट रूप जहां तक मेरी नजर पहुंचे मुंड ही मुंड नजर आते हैं। भाइयों बहनों, मुझे अब समझ आता है कि लोग शरद पवार को बड़ा चतुर राजनेता क्यों मानते हैं। जब जब शरद पवार की चर्चा आती है तो लोग कहते हैं भाई बड़े चालाक राजनेता है, वो बड़े चतुर राजनेता है। मुझे अब समझ में आया कि उनकी चतुराई क्या है। उनको 6 महीने पहले पता चल गया था कि हवा का रुख क्या है, और इसलिए खुद ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। यानी वो समझ चुके थे कि जीवन के उत्तरार्ध में पराजय का मुंह दही देखना है, इसलिए समझदारी से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का तो हाल यह है कि उसकी सरकार के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं सारे के सारे मैदान छोड़ के भाग गए हैं। टीवी पर आर के 10 साल से दुनिया को जो पाठ पढ़ाते थे वे खुद ही जनता के मिजाज को सहने का हौसला खो बैठे हैं। इस चुनाव की दूसरी विशेषता देखिए, यूपीए के जो साथी थे वे भी उन्हें छोड़ छोड़ करके एक चल पड़े हैं। इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर उनके प्रत्याशी नामांकन भरने के बाद मैदान छोड़ के भाग गए हैं। इस बार जनता के ताप को सहने की ताकत कांग्रेस पार्टी खो चुकी है। भाइयों बहनों, कल मैडम सोनिया जी राहुल भैया की मदद के लिए अमेठी गई थी, और अमेठी में उन्होंने भाषण किया
अमेठी में उन्होंने भाषण किया, इंदिरा जी ने आपको राजीव गांधी दिए थे और आपने राजीव गांधी को संभाला था। मैंने 2004 में मेरा बेटा आपको दिया है, इस बार मेरे बेटे को संभालने की जिम्मेवारी आपकी है। आखिर मां है ना, बेटे की चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन मैं हैरान हूं कि मैडम सोनिया जी अमेठी में जाकर के अमेठी के नागरिकों को कह रही है कि मेरे बेटे को संभालिए, और बेटे को कह रही है बेटा तू देश संभाल ले। अरे जो बेटा अमेठी नहीं संभाल पा रहा उसे तुम देश देने की बात कर रहे हो आप? मैं जरा देश के कृषि मंत्री को पूछना चाहता हूं, श्रीमान शरद पवार, आप भारत के कृषि मंत्री हो, आप अपने आप को किसानों का नेता कहते हो, जरा मुझे बताइए यहां का जो किसान कपास की खेती करता है उसको कपास बेचने के लिए गुजरात क्यों जाना पड़ता है? मेरी बात सही है कि नहीं सही भाइयों? आप मेरे भाइयों बताइए, आपको गुजरात में कपास का पूरा पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? आपको संतोष होता है? महाराष्ट्र में क्यों नहीं मिलता है? आपको डीजल जला के जाने आने का मुफ्त का खर्चा करके कपास बेचने के लिए गुजरात जाना पड़ता है? महाराष्ट्र में आपको कपास का जितना दाम मिलता है उससे पड़ोस में गुजरात में डेढ़ गुना पैसा मिलता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो आपको कपास बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों, कभी भटकना नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए यहां पर बनाना में, ये हमारा जलगांव आज हिंदुस्तान का सिरमौर है, लेकिन क्या केले की खेती करने वाला मेरा किसान ये सीना तान के कह सकता है कि उसके केले की कीमत पूरी मिल पाएगी? मुझे जलगांव के किसान टिश्यू कल्चर को लेकर के मेरे यहां आते रहते हैं। मैंने यहां गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन से केले का टिश्यू कल्चर बहुत बड़ी मात्रा में जलगांव में आता है, तो उनसे मेरी कभी कभी मुलाकात होती है। वो मुझे कह रहे थे, मोदी जी केले तो तैयार होते हैं लेकिन रास्ते इतने खराब हैं कि जब ट्रक में केले ले जाते हैं तो 20% केले तो दबके खराब हो जाते हैं। यही होता है ना। देखिए मैं आपका ऐसा साथी हूं, भले बैठा गुजरात में हूं लेकिन आपके हर दुख दर्द का मुझे पता है, आपकी मुसीबतों का मुझे पता है। ये सवाल हमारे गुजरात में भी आया था, आपके नंदुरबार के बगल में जो इलाका है वहां भी केले की खेती गुजरात में बहुत होती है, उच्छल निजर इलाके में। तो वहां के किसानों ने कहा, मोदी जी हमें पेवर रोड चाहिए, हमारे केले खराब हो रहे हैं, हमने पेवर रोड बना दिया,
और मेरा आदिवासी किसान जो केले की खेती करता है उसके केले बर्बाद होना बंद हो गया। भाइयों बहनों, समस्याओं का समाधान कैसे करना, इसके लिए गुजरात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सामने एक नमूना रूप काम करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हमारे देश में आदिवासी समाज अभी आया कि पहले से था? जरा जवाब दीजिए। आदिवासी पहले था? आजादी के आंदोलन में आदिवासी था? भगवान राम के जमाने में आदिवासी था? कृष्ण के जमाने में आदिवासी था? भाइयों बहनों, आपको मालूम है लेकिन कांग्रेस वालों को मालूम नहीं है। देश आजाद होने के बाद 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उनको कभी आदिवासियों की याद नहीं आई। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आदिवासियों का अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासियों के लिए अलग बजट बनाया और आदिवासियों के कल्याण के लिए हर 3 महीने कितना काम हो रहा है उसका हिसाब किताब लेने की परंपरा बनाई और पहली बार आदिवासियों के जीवन की चिंता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी। भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के लोग झूठ फैला रहे हैं। अगर भाजपा की सरकार आई तो आदिवासियों के अधिकार छीन लेंगे, दलितों के अधिकार छीन लेंगे, बख्शी पंच के अधिकार छीन लेंगे। भाइयों बहनों, ये अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। दुनिया की कोई ताकत आपके अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये मेरे शब्द, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, मेरे शब्द लिख करके रखिए। अरे कांग्रेस ने आपके साथ अन्याय किया होगा उसको भी धो करके उस अन्याय का परामार्जन करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, हमारे जलगांव के लोगों को तो मैं एक और भी बधाई देता हूं। आप यहां हमारी बहन रक्षा को विजयी बनाएंगे, नाना पाटिल को विजयी बनाएंगे, लेकिन मेरे गुजरात से भी एक आपका बेटा मैं पार्लियामेंट में भेजता हूं, सीआर पाटिल को। वो आप ही की धरती का बेटा है, तो इसलिए आपको तो 3-3 लोगों का मदद मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मैडम सोनिया जी कहती है मैं जरा पूछना चाहता हूं, अभी अभी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में, मुझे अखबार पढ़कर के इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, पिछले 10 साल में इतना आनंद नहीं आया था, ऐसा आनंद आया। क्यों? तो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और देश को बताया गया कि भारत के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल में 1100 बार बोले थे। बताइए, देश के प्रधानमंत्री 1100 बार बोले थे,
ये भी उनका अचीवमेंट है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री कार्यालय के एक व्यक्ति ने अभी किताब लिखी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। भाइयों बहनों, वो किताब पढ़ने के बाद पता चलता है कि दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री नहीं चला रहे थे, ये तो मां बेटे की सरकार है, मां बेटे की सरकार। आपकी सारी मुसीबतों का कारण ये 10 साल की मां बेटे की सरकार है, और इसलिए अगर मुसीबतों से मुक्ति चाहते हैं तो ये मां बेटे की सरकार को सदा सर्वदा के लिए विदाई करने का ही अवसर है। भाइयों बहनों, मैं आज 18 से 28 उम्र के नौजवानों से कुछ बात बताना चाहता हूं, और मैं जलगांव की धरती से 18 से 28 उम्र के नौजवानों को जो बात बताने वाला हूं, ये पूरे महाराष्ट्र के 18 से 28 के नौजवान के लिए बता रहा हूं। ये मेरी बात मैं पूरे हिंदुस्तान के 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को बताना चाहता हूं। और मेरे सारे नौजवान मित्रों, आपके एक मित्र के नाते मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी जिंदगी की मुझे चिंता है, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए, समझिए। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में प्लस टू की एग्जाम, या प्लस टू बोलते हैं ना, ये ट्वेल्थ बोलते हैं, 12वीं एग्जाम, 12वीं की एग्जाम विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारा परिवार 12वीं की एग्जाम के लिए पूरे साल भर उसी में डूबा रहता है। भाइयों बहनों, विद्यार्थी को भी पता होता है, उसके माता पिता को भी पता होता है कि अगर 12वीं की एग्जाम में कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, सारे आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। और 12वीं की एग्जाम में अच्छे मार्क आ गए तो फिर आगे कुछ देखना नहीं पड़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वो आगे बढ़ता ही जाता है। भाइयों बहनों, आप भी मानते हैं ना कि 12वीं की एग्जाम का बड़ा महत्व होता है, मानते हैं? जैसे विद्यार्थी के जीवन में 12वीं की परीक्षा का महत्व है, वैसे ही इंसान की पूरी जिंदगी में, भले वो 100 साल का हो, 75 साल का हो, 80 साल का हो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी में 18 से 28 ये जो उम्र का दशक है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसकी जिंदगी के सारे निर्णय 18 से 28 में हो जाते हैं। उसी मजबूत नींव पर उसका भविष्य तय होता है, आगे उसका जीवन कैसा चलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, 18 से 28 की उम्र ये आपकी गोल्डन उम्र है। अगर उसमें कोई ठहराव आ गया, उसमें कोई रुकावट आ गई, उसमें कोई मुसीबत आ गई, तो आपको जिंदगी भर उस मुसीबत को ढोना पड़ता है, सारी जिंदगी रोना पड़ता है।
कोई 75 साल की उम्र का व्यक्ति हो और उसके जीवन में 5 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रिटायर्ड इंसान हो, 60 साल की उम्र हो, उसके 2 साल बिगड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 18 से 28 उम्र का कोई नौजवान, उसके अगर 5 महीने भी बिगड़ जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ जाती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 18 से 28 की उम्र ऐसी है कि आपका एक दिन भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का ये सबसे मूल्यवान समय है। जो 18 से 28 उम्र के नौजवान है, मेरे नौजवान साथियों, आप सोचिए इस 18 से 28 की आपकी उम्र के दरमियान अगर दिल्ली में 5 साल के लिए कोई निकम्मी सरकार आ गई तो आपके भाग्य का क्या होगा? बर्बाद होंगे कि नहीं? सब तबाह हो जाएगा कि नहीं? कहीं के रहोगे क्या? इसलिए 18 से 28 के मेरे नौजवानों, आप भाजपा जी की चिंता छोड़ो, मोदी की चिंता छोड़ो, देश की चिंता छोड़ो, अरे खुद का तो सोचो। अगर निकम्मी सरकार आई तो आपका क्या होगा? मेरे नौजवानों बताइए, आपको अपनी जिंदगी बनानी है? आपको अपने सपने सजाने हैं? आपको आगे बढ़ना है? और ऐसे में दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो आपकी चिंता करे, जो आपके सपनों को साकार करे। भाइयों बहनों, अब दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? भाइयों, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे जरा सवाल को समझो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसकी सरकार चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ कैसी सरकार चाहिए। कैसी सरकार चाहिए दिल्ली में? भाई बहनों, क्या दिल्ली में टीवी की सरकार चलेगी? दिल्ली में अस्पताल में बड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में बड़ी बड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में मां बेटे के ऑक्सीजन से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? भाई बहनों, समय की मांग है दिल्ली में मजबूत सरकार हो, दिल्ली में मजबूत सरकार हो। और इसलिए मेरे भाई बहनों, अब दिल्ली में 300 कमल वाली सरकार होनी चाहिए। महाराष्ट्र से महायुति के सबके सबको चिता करके भेजना चाहिए। महायुति के सिवाय एक का भी खाता नहीं खुलना चाहिए। दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र मेरी मदद करे। महाराष्ट्र से एक नया इतिहास बन गया भाइयों। भाई बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे इतना प्यार दिया और नौजवानों ने मुझे उत्साह दिया, मैं नौजवानों का विशेष आभारी हूं। भारत